Hello students, today we are going to start our written work in our fair copy of class 5th. Our chapter name is How Many Squares? इससे पहले हमने स्क्वायर्स के एरिया एंड बाउंड्री के बारे में पढ़ा था एंड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे जो आपको रफ कॉपी में करने थे. इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, यहाँ पे था 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. Now I will tell you the answer. You will match your answers. आपने ऐसे किया होगा. Area of a square is equal to side into side. एंड साइड आपको 5 सेंटीमीटर गिवन थी. 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आपका आंसर सेम है. अगर सेम है देन आपको ये आ गया एंड योर आंसर इज करेक्ट, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट वन, बाउंड्री और पेरीमीटर. बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर is equal to 4 into side. Side आपको दी थी 2 centimeter. So 4 2 जा 8 centimeter. This is the boundary of a square. All right. Now rectangle. We will discuss about rectangle. What is rectangle? In which two opposite sides are equal in length and all angles are 90 degree. Whose corners? उसके corners में whose corners are all 90 degree angles. इससे पहले shapes and angles chapter में भी पढ़ा था and square में भी 90 degree angle होता है. सी एल से बन रहा है, सो 90 degree ऑल कॉर्नर्स 90 degree होंगे. ए रेक्टेंगल इज अ 4-sided शेप. SHAPE shape whose corners are all 90 degree. Angles whose corners are all 90 degree angles and 2 opposite sides to each other, एक दूसरे के opposite sides are equal or same in length. A rectangle is a 4-sided shape. Square is also a 4-sided shape. But different कहाँ होता है? इनमें difference two opposite sides to each other. एक दूसरे के जो two opposite sides हैं वो equal होते हैं in length में, but वहाँ all 4 sides equal होते हैं. And similarity कहाँ है? 4-sided shape square भी है, rectangle भी है. And 90 degree all corners 90 degree angles बनाते हैं, वहाँ भी 90 degree angles. All right.
स्ट्रेट लाइंस बना दी। डिफरेंस यही है कि यहाँ टू अपोजिट साइड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लाइक दिस 5 सेंटीमीटर है एंड दिस वन इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 2 सेंटीमीटर। आपका जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा होगा तो आप वो भी कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर है, अदरवाइज कुछ और भी यू कैन ड्रॉ। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द इनर पार्ट, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज, ये चौड़ा है जो वाइड वाइड चौड़ा ब्रेथ, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस वन इज लेंथ। ऑलराइट, वाइड एंड ब्रेथ सेम होता है, चौड़ा एंड ये लंबाई लेंथ हो गई। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड आप लेंथ को एल से भी डिनोट कर सकते हैं एंड इनटू ब्रेथ बी स्मॉल लेटर से, एल इनटू बी और लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड पेरीमीटर बाउंड्री, जो इसका बाउंड्री है, किनारा है इसका, पेरीमीटर है, डैट मीन्स या तो आप बाउंड्री में ऐड कर सकते हैं जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, 5 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर और बाउंड्री 2 × L + B। अपोजिट साइड्स लेंथ सेम है एंड ब्रेथ, सो 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगल ऑल राइट। बाउंड्री ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। फॉर्मूला इज 2 × length + breadth। लंबाई प्लस चौड़ाई से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × L + B। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज If length of a rectangle is 5 centimeter and breadth 3 centimeter of the same rectangle and find the area of this rectangle. Answer to 1, at first जो given है वो लिख लेते हैं, length of rectangle is equal to 5 centimeter, breadth
of a rectangle is equal to 3 centimeter. जो हमने यहाँ पे बनाया है. All right. So breadth of a rectangle, RECTANGLE, rectangle is equal to 3 centimeter. Now the area of rectangle is equal to length into breadth, L into B. So L 5 centimeter into breadth 3 centimeter. 5 3 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, टू टाइम्स हैं, सो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑल राइट. इफ यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल आफ्टर और बिफोर दिस आंसर. 5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. दिस वन इज 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड लेंथ इसकी अबाउट 4 सेंटीमीटर. सो आप इसको करेक्ट कर लेंगे. 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है देन आप वो भी लिख सकते हैं जितना आपका है. ऑल राइट. सो हियर मेक अ रेक्टेंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर. हमने ईच स्क्वायर बॉक्स को 1 सेंटीमीटर लिया है. सो 1 2 3 3 सेंटीमीटर एंड 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर. राइट. नाउ आपका एरिया आया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेट्स चेक कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड रोज 1 2 3. सो 5 3 15 एंड आप काउंट करेंगे इसमें 15 स्क्वायर बॉक्सेस होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो दिस वन ये इनर पार्ट ही क्या होता है, एरिया होता है. नेक्स्ट बाउंड्री. फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट इससे बना लेते हैं. दिस वन इज आंसर ए एंड दिस इज अ कॉमन पार्ट फॉर बोथ द क्वेश्चन. लेंथ एंड ब्रेथ सेम रहेगी फॉर दिस रेक्टेंगल एंड क्वेश्चन बी इज फाइंड इट्स बाउंड्री. सेम रेक्टेंगल की बाउंड्री फाइंड करनी है. आंसर भी लेंथ एंड ब्रेथ ऑलरेडी हमने लिखा था. लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. सो बाउंड्री, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाउंड्री? बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल की बाउंड्री. सो फॉर्मूला इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. टू इंटू पहले हम ब्रैकेट की अंडर जो भी है उसे सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे नहीं कि पहले 2 5 10 कर लिया देन उसमें 3 ऐड किया. पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे. ऑल राइट. सो 5 प्लस 3 इज 8 सेंटीमीटर.
and two edges are 16 centimeter. So boundary of this rectangle is 16 centimeter. प्रीवियस क्लासेस में कैसे करते थे, साइड्स को ऐड कर देते थे, बाउंड्री किनारा 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5 प्लस 5 इज 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16 सेंटीमीटर सी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 16 सेंटीमीटर इज अवर आंसर एंड यूनिट ऑफ पेरीमीटर और बाउंड्री इज सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर ऑल राइट Point to be remember. This is enough for today.